ऑटो शेड्स की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हमने किया सेल्टोस करिए। किया सेल्टोस में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिहार से आई है, पटना से, और इसमें ये बाय रोड आई है। इसमें हमने फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक करी है, पियानो ब्लैक जो कि बहुत ऑसम लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसमें कुछ नया कंसेप्ट दिया हमने, ये कॉपर फिनिश में किया है फॉग लैम्प का कवर, और यहाँ पे क्रोम लगाया है, साथ में यहाँ क्रोम लगाए। नॉर्मली जो रेड होता है वो रेड स्प्रे पेंट, कॉम्पी पेंट आता है आजकल, वो कर देते हैं, तो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने स्प्रे पेंट किया है, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोटिव पेंट है, क्लियर बेस्ड पेंट है, थोड़ा ग्लॉसी लुक में है, जो हमने इस पर किया है। इसकी फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, जो स्प्रे पेंट से बहुत 100 टाइम्स बेटर है। और ये क्रोम हो गया, ये क्रोम फिनिश के डोर वाइजर्स हैं, और ये क्रोम हैंडल्स हैं, ये क्रोम विंडो गार्निश है, और इसमें पीछे के बम्पर के हमने इसमें रिफ्लेक्टर हटा के ये लाइट्स लगाई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी इंडिकेटर और ब्रेक लाइट्स देख सकते हैं, इसकी कैसी फिनिशिंग है। इंडिकेटर्स भी इसमें हैं, इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं, देखिए इंडिकेटर्स में काम कर रही है। और इसमें एक चीज़ और मैंने नई तैयार करी थी, नया कंसेप्ट था, ये कॉपर फिनिश हमने इसके साइड का लुक दिया है, ताकि ये एक्सटेंशन डिफरेंट लगे। ये भी हो सकता है इसमें सिल्वर है, हम पियानो फिनिश पियानो ब्लैक भी कर सकते हैं इस पार्ट को, ये डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट हम ये कर सकते हैं। और रियर गार्ड भी हमने इसमें लगाया है सेल्टोस का। वैसे दिल्ली में रियर गार्ड अभी अलाउड नहीं है, दिल्ली में तो पटना से है, तो माइट भी उधर अलाउड हो। गाड़ी में हम लोगों ने रियर आर्मरेस्ट लगाया है विद ग्लास होल्डर, ग्लास होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट। और इसमें हेडरेस्ट नहीं होते, इसमें हेडरेस्ट भी डिटैचेबल, इसमें हेडरेस्ट लगाया, आप देख सकते हैं इसको, हेडरेस्ट डिटैचेबल। और इसकी सीट्स तो आपने देखी होगी, हमारी जीटी लाइन की डिजाइन जो सिमिलर है जीटी लाइन का, वो तो हमारी ब्लैक से रेड स्टिचिंग आपने कई वीडियोज में हमारी देखी होगी। इस गाड़ी में हमने नापा लेदर लगाया है स्टेयरिंग कवर, इससे स्टेयरिंग की ग्रिपिंग वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है। पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, नापा लेदर जो है टेक केयर करने वाली चीज़ है, इसमें आप सैनिटाइज़र से क्लीन ना करिए, और इसको क्लीन, नापा लेदर डेलिकेट होता है, इसको क्लीन करिए सोप सॉल्यूशन से। सैनिटाइज़र वाले हाथ इस पर लगाएंगे तो ये जल्दी पील ऑफ होगा। इसमें हमने पियानो फिनिश पियानो ब्लैक दिए, और ये ब्लैक पे रेड स्टिचिंग जैसे जीटी लाइन में आता है, और ये पावर विंडो प्लेट पियानो फिनिश। जैसे कि आप जानते हैं, आशीष जी जो कि पटना से आए हैं, अब आशीष जी से जानते हैं, आशीष जी आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली हमने पहले तो यूट्यूब पे देखा था, और बाई लक की बात थी कि किसी ने जानने वाले ने आपके यहाँ ऑलरेडी काम करवाया था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे चले जाइए, यहाँ काम अच्छा होता है। तो हमने सोचा कि जब काम करवाना नहीं है, कुछ पेट्रोल खर्च करके लोग आते तो अच्छे यहाँ काम, मैंने सोचा कि ऐसी जगह और जहाँ पर काम जेन्युइन हो, जिसके बारे में हमें जानकारी पूरी है कि हाँ ये बंदा ऑथेंटिक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और काम हमें अच्छा लगा, और हम दूसरे कस्टमर्स को भी ये बोलना चाहेंगे कि आप जब भी आना चाहो तो दिल्ली के मोती नगर में ये दुकान है ऑटो शेड, वहाँ ज़रूर आएँ, और डिस्काउंट तो भैया अच्छा खासा देते ही हैं। थैंक यू। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरी आदत है डिस्काउंट नहीं, इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा मैं। हम लोग एक ही प्राइसिंग रखते हैं, लोगों को एक ही रेट लगाते हैं, ना कम ना ज़्यादा, अपना रीजनेबल मार्जिन लेके चलते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बार्गेन ना कीजिए, ये रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं बहुत रीजनेबल प्राइसिंग लगा दूँगा आपको। और एक चीज़ और पूछूँगा सर, 10 में से आप हमको कितनी रेटिंग देंगे?
दस में से हम 9 देंगे। एक पॉइंट कारण ये कि हमारे लिए बहुत दूर हो गए और लेट होने की वजह से, और थोड़ा लेट हुआ है, 2 दिन लगाए काम में, एकदम 9 देंगे। लेकिन हाँ ये है कि कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पे, बस टाइम थोड़ा आप आइएगा तो लेके जरूर आइएगा, टाइम की 2-3 दिन लग सकता है। चलो थैंक यू, हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे काम के बारे में नीचे कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब, और फॉर न्यू डिज़ाइंस न्यू शेड्स विद इट ऑटो शेड्स।